छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उद्योगपति एवं पूर्व सांसद नवीन जिंदल के भाजपा में शामिल हो जाने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ करार दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी मां के संबंध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर नवीन जिंदल को इतनी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी। भूपेश है तो भरोसा है का नारा लोकसभा चुनाव में गायब हो जाने के सवाल पर डॉक्टर महंत ने कहा कि ये सभी स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं हम सब कांग्रेस के बड़े नेताओं से चूक हुई है, इसलिए हमें छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के आरोप का जवाब देते हुए डॉक्टर महंत ने कहा कि वो तो दुर्ग में रहती है, लोगों से पूछ पूछ कर कोरबा की भौगोलिक जानकारी ले रही है, वे भला क्या बताएंगी कि कहां किसने घोटाला किया है। हम इस क्षेत्र में 44 साल से मौजूद हैं, सरोज पांडे भला 44 दिन में कोरबा को क्या समझेगी। देखिए, मैं अभी तक उनके रायपुर में रहा हूँ सर, इस तरह की बातें मेरे सामने नहीं आई है। कलेक्टर को लेटर लिखा है सर उन्होंने? लिखा नहीं, मैं रहा हूँ बोला। अभी इस तरह चुनाव के दौरान बात करना पूरी राजनीतिक बात हो जाती है, तो मैं कहता हूँ इस तरह के राजनीतिक बातों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। उनसे गलती हो गई कुछ लोगों से, कुछ लोगों ने लिख के दिया कि हमने आवेश में विद्वेष में एक दूसरे के कहने से ऐसा कहा किया है, और ऐसे समय जबकि लोग भाग भाग के भाजपा में जा रहे हैं, यदि वो कांग्रेस में अपनी गलती को स्वीकार करके आना चाहते हैं तो हमें लेने में कोई गुरेज नहीं है, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में पार्टी अपने ही जो कार्यकर्ता थे या जो नेता थे उनको पूछ परख करने में कहीं चूक कर गई। स्वाभाविक है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, इसको भूपेश बघेल जी भी स्वीकार करते हैं, और हमने सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि हमसे गलती हुई, मुख्यमंत्री से गलती हुई, मंत्रियों से गलती हुई, कार्यकर्ताओं से भी कुछ गलती हुई, इसी का नतीजा हम लोग भोग रहे हैं कि आज हमारी सरकार नहीं है। नहीं तो जितने काम इस सरकार ने किए हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, उतना काम जमीनी रूप में कोई भी कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं कर पाया है, नहीं कर पाएगा। देखिए, नारा तो वो कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए दिया गया था, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों पर जो भरोसा किया था इसलिए दिया गया था। अरुण साव जी अब आए हैं, देखते हैं, 2 महीने तो हुए हैं अभी, कितने महीने चल पाते हैं, कितने महीने चला पाते हैं, उनका पद कितने दिन का है, अभी तो कुछ दिनों में पता लगेगा। अभी तो ये लोकसभा के चुनाव है इसलिए सब चुप है। अब तो हम लोग जब चिल्लाएंगे चुनाव के बाद कि आज की राजनीति में मंत्री लोग होटल में बैठ के वही कर रहे हैं, ये मुझे नहीं कहना चाहिए मगर मैं कह रहा हूँ। किस टाइप का भाई साहब, थोड़ा बता दीजिए किस टाइप का, आप सब जानते हो। कौन मंत्री है चुनाव, ये चुनाव ये बात नहीं हो रही है, बाहर बता दूंगा। लोग बात जिस ढंग से भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री बनने से पहले अडानी की कटाई शुरू हो गई है, जिस ढंग से अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए और बड़े बड़े जंगल दिए जा रहे हैं, खदानें दिए जा रहे हैं, जिस ढंग से आपने जिंदल को बेवकूफ बना के अपने पार्टी में संलग्न कर लिया है, शामिल कर लिया है, बन सकते हैं, बन सकते हैं। उनकी माँ को तो नहीं कह सकता, उनकी माँ दबाव में गई होगी, मगर जिंदल जैसा बेवकूफ आदमी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। सर बेवकूफ है कि लालची है? बेवकूफ। कोरबा लोकसभा की बात करें सर, 3 दिन आप लगातार कोरिया जिले में कैंप किया है, क्या लग रहा माहौल क्या है? देखिए, अभी तो माहौल बना नहीं है जी, माहौल तो अभी बनेगा जी, जब ये लोग फॉर्म भर लेंगे उसके बाद जी। अभी तक ऐसा होता था कि चुनाव की घोषणा होती थी, फॉर्म भरे जाते थे, फिर माहौल बनाते हैं। माहौल हम लोग बनाएंगे चुनाव में आने के बाद। शुरुआत कर दीजिए सर आज से? ना, अभी तो बाबूजी का कार्यक्रम है। अच्छा कहा है उन्होंने, अगर उनको पता होता कि मेरी धर्म पत्नी ने क्या किया है, वो तो दुर्ग के रहने वाले, उनको तो दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरी बीबी क्या करती है, हमारे कार्यकर्ता क्या करते हैं, वो तो पूछ पूछ के सीख रही ना। हम लोग तो 44 साल से कर रहे हैं, तो 44 साल को 44 दिन में जानने के लिए बहुत कम होते हैं। देखिए आने वाले दिनों में क्या और क्या कहेगी वो सुनेगी। थैंक यू।